नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के 3 दिन बाद गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार के सपोर्ट में 58 वोट पड़े, जबकि भाजपा ने वोटिंग से वॉकआउट किया। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 और भाजपा के 8 विधायक हैं। वहीं बता दें कि गुरुवार को सदन शुरू होते ही भाजपा विधायक शराब घोटाले की चर्चा को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने भाजपा को 2 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया। वहीं विधायकों के मार्शल आउट के बाद दिल्ली असेंबली में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है और हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल ने आगे दावा किया कि अगर सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है तो गुजरात चुनाव में हमारे वोट परसेंट बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे खिलाफ 16 केस किए थे, 12 केस में मैं आज बरी हो चुका हूँ। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पर 19 अगस्त को सीबीआई रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च कर हमारे 40 विधायकों को खरीदना चाहती है। वहीं भाजपा के लोगों ने 12 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।